फ्रेंड्स, इंडियन वुमेन रेसिपीज विद नीना में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं अरबी के पत्तों के पतौड़े। ये पतौड़ा रेसिपी को बनाना बहुत आसान है। मेरे बताए तरीके के हिसाब से अगर आप बनाओगे तो ये पतौड़े जो लोग पसंद भी नहीं करते उनके हो जाने वाले हैं फेवरेट विद फैमिली। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए शुरू करें। अरबी के पत्तों के पतौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ताज़े अरबी के पत्ते ले लिए हैं, और बरसात के मौसम में ये आसानी से हमें मार्केट में मिल जाते हैं। इनके पीछे के डंठल मैंने काट लिए हैं और अब बढ़िया से इन्हें पानी से धो लेना है। इनके जो डंठल हैं इनकी भी सब्जी बनती है, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। अब पत्तों के बीच में जो स्टफिंग भरनी है वो हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बेसन ले लिया है। मेरे पास लगभग 1.5 kg के आसपास पत्तियाँ हैं, तो उसमें 250 ग्राम बेसन काफ़ी है। आप चाहें तो बेसन की जगह मक्की का आटा भी ले सकते हैं, तो दोनों से ही बन जाता है। और इसमें क्रिस्पी पन लाने के लिए आप इसमें 1 या 2 चम्मच राइस फ्लावर भी मिला सकते हैं। अब यहाँ पर मैं मसाले ले रही हूँ। मसालों में सबसे पहले धनिया पाउडर ले लिया है। मुझे धनिये का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो मैं यहाँ ज़्यादा ले रही हूँ, आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। साथ में ज़ीरा पाउडर है, ये काली मिर्च पाउडर, और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। तो मैंने लगभग 2 चम्मच के आसपास नमक ले लिए हैं। और अरबी के पत्तों के बीच में ना कभी कभी ऐसा होता है कि खुजली सी भी होती है मुंह में खाने के बाद, तो उसे मिटाने के लिए आप इसमें अमचूर पाउडर ज़रूर मिला लें। अब इसमें चुटकी भर हींग ले लिया है हाजमे के लिए, और लगभग 3 से 4 चम्मच तेल ले लिया है। तेल से क्या होगा, इसमें जो चिकनाहट आएगी तो वो पत्तों पर लगने में भी आसानी रहेगी और टेस्ट भी आपका बढ़ जाता है। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद में आप चाहें तो हाथों से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद अब इसमें पानी मिला करके हमने इसका एक घोल तैयार करना है। इसमें जो पानी है लगभग 1 गिलास के आसपास मैंने मिलाया है, और जैसे हम पकौड़े के लिए बेसन बनाते हैं उसी तरीके की कंसिस्टेंसी का हमने ये घोल बना लिया है। अगर आपको ज़्यादा मोटी स्टफिंग करनी हो तो आप इसमें ज़्यादा गाढ़ा घोल भी बना सकते हैं। साथ में मैंने धागा ले लिया बांधने के लिए, और अब एक एक पत्ती को लेते जाना। सबसे पहले हमें सबसे बड़ी वाली पत्ती लेनी है, उसके बाद छोटी छोटी, इस तरीके से हमें मैनेज करना है। और उल्टी पत्ती के ऊपर ही हमने पेस्ट को लगाना है। सीधी पत्ती चिकनी होती है तो उस पर पेस्ट टिकेगा नहीं, और उल्टी पत्ती में आप देख सकते हैं पत्तियों पर लेयर बनी हुई है, तो उन्हीं से ही ये पेस्ट चिपकेगा। तो बस अब हम एक एक करके पत्तियों पर इस तरीके से पूरा पेस्ट लगा लेना है, और पत्ती कहीं से भी हमें खाली नहीं रखनी है। तो इसी तरीके से मैं अब सारी पत्तियों पे लेप लगा लूंगी। पत्ती पर लेप लगाने के बाद दूसरी पत्ती को हम दूसरी तरफ उल्टे साइड को रखते हुए, आप जैसे वीडियो में भी देख सकते हैं, और फिर से हम लेप लगाएंगे। इसी तरह से कम 10 से 12 पत्तियों की लेयर लगाते हुए इनमें लेप लगाते जाएंगे। मेरी पत्तियों के साइज़ छोटे हैं, इसी वजह से मैं 10 से 12 लूँगी। अगर पत्तियों के साइज़ बड़े हों तो आप 5 से 7 भी ले सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने सारी पत्तियों पर लेयर लगा दी हैं। अब इन्हें फोल्ड करना है। मेरी पत्तियों का साइज़ छोटा है तो इनमें ज़्यादा फोल्ड नहीं लगेंगे, लेकिन अगर बड़ी पत्तियाँ तो उसमें हम ज़्यादा फोल्ड लगा करके उन्हें अपनी शेप के हिसाब से बना सकते हैं। तो इसमें कोई चांस नहीं है, तो इसे मैं सिर्फ रोल ही कर सकती हूँ। तो किनारों से मैंने इस तरीके से उठा दिया, और उसके बाद में इसे रोल करके फिर धागे से टाई कर देंगे, बांध देंगे। बांधना इसलिए, तो आप चाहें तो टूथपिक भी लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि ये पत्तियों का जो हमने रोल बनाया है ये खुलेगा नहीं। इस तरह से हमने जो अरबी के पत्ते हैं इनके अंदर बेसन की स्टफिंग कर ली है, और अब इनको मैं बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने ये इडली कुकर लिया है, इसी के अंदर मैं इसको बनाने वाली हूँ। तो इडली कुकर के अंदर जो हमारे इडली का ये होता है, जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं इडली बनाने के, वो मैं सारे के सारे निकाल लूँगी, और जो नीचे वाला है एक, इसे मैं रहने दूँगी। सबसे पहले हम इसके अंदर पानी डाल लेते हैं। जितना पानी हमें ज़रूरत है पकाने के लिए उतना हम पानी इसमें डाल देंगे। ये देखिए मैंने 1.5 गिलास के आसपास पानी डाला है,
और ये चेक कर लेना है पानी हमारा ना इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, हमारा पानी से नीचे ही रहना चाहिए, बेस के नीचे ही रहना चाहिए पानी, हमारा जो इडली का सांचा है इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। अब इसमें मैं ये जो सारे के सारे ये हमने बनाए हैं पतौड़े, इनको हम सेट कर लेंगे। इस तरीके से एक एक करके हम रखते जाएंगे। ये देखिए, देखिए इस तरीके से हमने ये सारे सेट कर लिए हैं। उसके बाद हम इस पे ढक्कन लगा देंगे। बर्तन को गैस पर रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है और अभी मैंने हाई फ्लेम रखी है। हाई फ्लेम कम से कम मैं 2 से 3 मिनट तक रखूंगी, जिसमें कि यहाँ पर स्टीम बनना शुरू हो जाएगी और एक विशल की आवाज शुरू हो जाएगी आना। तो अभी आप सुन सकते हैं धीमे धीमे से आ भी रही है। जैसे ही इसमें से विसल की आवाज आना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब इसमें स्टीम हमारी बन चुकी है और पानी, नीचे का जो बेस में हमने पानी डाला था वो पानी गर्म हो चुका है। अब हम इस फ्लेम को लो कर देंगे और अब लो फ्लेम पर कम से कम मैं इसे 25 से 30 मिनट तक धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पर पकने दूंगी। जब ये स्टीम में पकेगा धीमी धीमी आंच पर तो ये बहुत ही बढ़िया सा तैयार होगा। तो हमें हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पकाना है, फ्लेम को लो करके इसे पेशेंस देते हुए हमें कम से कम 20 से 25 मिनट या 25 से 30 मिनट तक पकाना है। तो चलिए इसे पकने देते हैं, जब ये पक जाएगा फिर देखेंगे कैसा हमारा बन के तैयार हुआ है। तो इसे पकते हुए आधा घंटा हो चुका है और अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और जब ये अच्छे से कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे देखेंगे, चेक करेंगे कैसा बना है। इसका स्टीम निकल चुका है और अब हम देखते हैं। तो ये देखिए हमारे जो पत्ते के पतौड़े हैं वो पक चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे, हल्का ठंडा होने देंगे, उसके बाद काटेंगे। तो हमने जो धागे से इन्हें बांधा था हल्के ठंडे हो चुके हैं, सबसे पहले उस धागे को निकालेंगे उसके बाद हम इसे काट लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारे पतौड़े बनके तैयार हुए हैं और कट भी गए हैं। अब हम इन्हें हल्का फ्राई करने वाले हैं। हल्का सा फ्राई करने से क्या होता है कि एक तो जो पत्ते होते हैं इनके अंदर जो खुजली हो रही होती है, आप कई बार देखिएगा कई पत्ते ऐसे होते हैं जिनसे ना पतौड़े के खाते ही मुंह में खुजली होना शुरू हो जाती है, तो अगर हम फ्राई कर लेते हैं तो वो चीज़ भी कम हो जाती है। प्लस मैंने आपको बताया अमचूर पाउडर ज़रूर मिला लीजिएगा, उससे भी बिल्कुल नहीं होती और पत्ते की क्वालिटी भी होती है। तो जो बिल्कुल सॉफ्ट वाला पत्ता होता है ना, वो वाला पत्ता जो होता है आप जब भी लें तो ये जांच लें, जो बिल्कुल सॉफ्ट वाला होगा उसमें खुजली नहीं होगी, लेकिन जो बहुत हार्ड वाला पत्ता होगा उसमें एक अलग तरह की खुजली जो आप खाते हो तब आपको महसूस होगी। और जो उनकी डंडियां होती हैं उनसे भी आप मेज़रमेंट कर सकते हो। डंडियां अगर बिल्कुल प्लेन है, उन पर कोई भी किसी भी तरह की धारी नहीं है और बिल्कुल सॉफ्ट और प्लेन सी दिख रही हैं, तो वो वाले समझिएगा कि पत्ते जो हैं वो हमारी खुजली नहीं करेंगे। अगर वही डंडियों में हल्के हल्के से डॉटेड डॉटेड जैसे महसूस होंगे तो वो खुजली करने वाले होंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने उलट पलट करते हुए इन्हें फ्राई कर लिया है और बहुत ही बढ़िया से हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं। ये आपको ज़्यादा क्रिस्पी खाने हो तो आप और भी ज़्यादा फ्राई कर सकते हो, तो हमने टेस्ट के हिसाब से। और ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं, चलिए निकाल लेते हैं फटाफट से अब इनको। ये देखिए जी हमारे होममेड फ्रेश हाइजीन पतौड़ा रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है, जो कि स्पेशली सावन के महीने में खाई जाती है। और ये देखिए डिलीशियस सी लग रही है ना, कितनी मज़ेदार। अब इसमें हम और मज़ेदार बनाने के लिए चाट मसाला जो है इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी, और जितना स्पाइसी खाना चाहते हो तो अपने हिसाब से आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। और ये हमारा डिलीशियस बनके तैयार हो चुकी है सावन महीने की स्पेशल पतौड़ा रेसिपी। कैसी लगी आपको बताइएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, जो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।